प्यारे बच्चों, आज हम आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना बताते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। गुणनखंड विधि से आप सीख चुके हैं, यह भी बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान देना। देखो बच्चों, पहला ही क्वेश्चन है आपका 2C का पहला क्वेश्चन, 4489 इसका भाग विधि से आपको वर्गमूल निकालना है। देखिए, सबसे पहले आप 4489 को लिख लीजिए, उसके बाद एक लाइन ऐसे खींचिए और एक लाइन इसकी लंबी सी आप ऐसे खींच दीजिए। देखो बच्चों, वर्गमूल में भाग विधि से निकालने में आपको ध्यान रखना है कि आपको दाएं से बाएं तरफ जोड़े बनाने हैं, इधर से इधर की तरफ। जोड़ा मतलब आप समझ दें, दो जब ले लेते हैं तो एक जोड़ा कहलाता है। एक जोड़ा इसका ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, ठीक है। अब आपको 44 ये जो संख्या है इसमें भाग देना है, और जो आप भाग देंगे वो पूर्ण वर्ग के रूप में देंगे। जैसे दो आपने लिया तो दो, अगर यहाँ दो लिखेंगे तो यहाँ भी दो लिखा जाएगा, दो दुनी चार नहीं चलेगा। 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36 और 7 7 49, ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ क्या चलेगा, 6 6 6 6 36, ठीक है। अगर आप यहाँ 7 ले लेंगे तो 7 7 49 वो ज़्यादा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जो पहाड़ा आप यहाँ लिखेंगे उसकी वहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ आना है। ये नहीं कि आपने यहाँ 6 लिखा तो यहाँ 5 लिखा, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। 6 6 36 आया, 4 में से 6 नहीं जाएंगे, इससे इसको आप उधार ले लेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएंगे, आपको ये सब आता है, ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। यहाँ 3 में से 3 0। आप देखो बच्चों, जब आप सिंपल भाग देते हैं तो एक संख्या उतारते हैं, क्योंकि हम यहाँ वर्गमूल निकाल रहे हैं तो आप ये जोड़ा उतारेंगे 89, ठीक है, ये पूरा जोड़ा उतार लेंगे। इसके बाद इस संख्या लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, आपने जो यहाँ लिखा है उसको इसके नीचे लिख दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 6 2 6 और 6 12, या तो ऐसे लिख लीजिए या ऊपर जो संख्या है उसमें 2 की गुणा कर लीजिए, उसका दुगुना कर दीजिए, 6 2 12, या इस 6 को यहाँ लिखेंगे तो 6 और 6 12, बात एक ही है। अब आप देखिए बच्चों, अब आपको भाग देना है 12 का पहाड़ा 88 के लिए, सिंपल आप भाग दीजिए इसे, 12 एकम 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, कितना, 12 7 84। अब आप कहीं रफली 12 7, अगर यहाँ आप 7 लिखेंगे तो यहाँ ऊपर भी क्या जाएगा, 7 ही जाएगा। पहले इसकी मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, 7 7 49 4, 7 2 14 और 4 18, हासिल 1 7 1 7 और 1 8, 889 आ गया। अच्छा हम बता दें, अगर आप 8 चलाते, ठीक है, 12 8 96, वो ज़्यादा भी हो जाता, देख लीजिए 8 चलाते तो 8 8 64, 6 8 2 16 और 6 22, 2 8 1 8, 8 8 64, 6 8 2 16, 16 और 6 22, 2 8 1 9 10, ये ज़्यादा हो जाता, ठीक है। आपका क्या चलेगा, 889। यहाँ पे 7 लिखा, ऊपर भी बच्चों 7 ही लिखना है, मल्टीप्लाई आप कर चुके हैं, कितना आया, 889, बस हो गया, आगे कोई संख्या नहीं बची है। तो 4489 का भाग विधि से वर्गमूल कितना आया, ऊपर जो लिखा है ये आपका उत्तर होगा 67। आसान है, एक और बताते हैं बच्चों क्या करना है। पहले आप अपनी संख्या लिख लेंगे, बहुत बड़ी संख्या है लेकिन इसको देख के घबराइए मत। क्या करेंगे, दाएं से बाएं तरफ जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, यहाँ 4 अकेला बचा है, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, ठीक है। यहाँ केवल एक इकाई का अंक है, ठीक है, 4 है, सीधा आपका हो जाएगा 2 2 4, ठीक है। ऊपर से जोड़ा आप उतार लेंगे, 93, ठीक है, ये जोड़ा, ठीक। क्या करेंगे, 2 और 2 4, ठीक, 4 का पहाड़ा 9 के लिए बोलिए, 4 2 8, यहाँ 2 लिखेंगे यहाँ भी 2 आएगा, कितना हो जाएगा, 42 2 2 4 और 2 4 8, ठीक है बच्चों, यहाँ कितना बचा, 9, ठीक। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ क्या भाग चलाया था आपने, 2, इस 2 को इसके नीचे लिख दीजिए, जोड़ दीजिए,
44, ठीक है। अगला जोड़ा उतार लीजिए 72, फिर चार का पहाड़ा 9 के लिए, 4 × 2 = 8, यहाँ 2 तो बच्चों यहाँ भी 2, ठीक है। 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8 और 2 × 4 = 8, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ 8, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, 8, ठीक है। यहाँ 6 हो जाएगा ना 16, फिर आपने क्या करा, ये वाला जोड़ा उतार लिया 84, ठीक है। अगली जो संख्या 2 थी, क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, 2 और 2 = 4, 4, 4, ठीक है बच्चों। फिर 4 का पहाड़ा 8 के लिए, 4 × 2 = 8, 2, यहाँ 2, इस 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरे 2 में, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8 और 2 × 4 = 8, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो आपका 4, 9, 3, 7, 2, 8, 4 का वर्गमूल कितना आया बच्चों, 2222, ठीक है। अब आप कुछ प्रश्न करके हल कीजिएगा, फिर हम आपको कल और अब परिमेय जो ये संख्याएं हैं इनका वर्गमूल अंश और हर में जो होती है वो कल बताएंगे।